और अब खबर यहाँ पर टिहरी जिले के विकास खंड थौलधार से है, जहाँ बीती 23 नवंबर को रमोलसारी निवासी गोविंद सिंह अपनी प्रसूता पत्नी को सीएचसी अस्पताल लेकर गया। बतौर पीड़ित उसे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र उनियाल ने ये कहकर रेफर कर दिया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, लेकिन जब तीमारदार ने अस्पताल के एम्बुलेंस के लिए मांग की तो उसे नियमों का पाठ पढ़ाकर टैक्सी से जाने को कहा गया। किसी तरह गोविंद सिंह टैक्सी के लिए लेने के लिए यहाँ पर जैसे सड़क पर गया, प्रसूता ने यहाँ पर बच्चों को सड़क के पास ही जन्म दे दिया। जब खबर नेशनल वॉइस पर चली तो टिहरी सीएमओ ने आनन फानन में डॉक्टर को जच्चा बच्चा की देखरेख के लिए आदेश दिए, मगर वक्त पर मदद ना मिलने से देर हो चुकी थी। नतीजा ये रहा कि आज नवजात की मौत हो गई है और परिवार में मातम पसरा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकित मित्तल का। अंकित, लापरवाही की वजह से यहां पर एक नवजात की मौत हो गई है, बाद में यहां पर देखरेख करने को कहा गया सीमो के जरिए, जब नेशनल वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। घोर लापरवाही है और लापरवाही का खामियाजा एक नवजात को यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है, क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मामला टिहरी जिले के विकासखंड थौलधार का है। ये बीते 23 नवंबर का रमोलसरी गांव का मामला है, जिसमें गोविंद सिंह की प्रसूता पत्नी को सीएचसी शाम लाया गया। बतौर पीड़ित उसे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र उनियाल ने कहकर रेफर कर दिया कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, और जब जमींदारों ने एम्बुलेंस की मांग की तो उन्होंने उन्हें उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर टैक्सी से जाने के लिए कहा। लेकिन प्रसूता हॉस्पिटल से जाने जी, जब बात नेशनल वॉइस के आई तो हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने उसमें जांच के आदेश दिए, लेकिन उसके बाद भी मैच को औपचारिकता पूरी कर दी गई और किसी भी डॉक्टर को मौके पर नहीं भेजा गया। बिल्कुल, अगर पहले यहाँ पर टीम को भेज दिया जाता तो शायद यहाँ पर नवजात की जान बच जाती। जी बिल्कुल, अगर टीम को डॉक्टर की टीम को भेज दिया जाता तो नवजात की जांच। अब अंकित, क्या लगता है जिन लोगों के जरिए लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, सीएमओ का कहना है कि एक टीम बनाई जाएगी जो जांच करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।